वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज हम पेपर लेंगे एलडीसी एग्ज़ाम 2018, एग्ज़ाम डेट 19 अगस्त 2018, पेपर कोड 41A, बोर्ड राजस्थान, RSM SSB बोर्ड, कर्मचारी बोर्ड। इसमें जीके के कुल 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको अपन वन बाय वन लेंगे, और ये सारे आंसर आपके वैलिड हैं जब आपकी बोर्ड की फाइनल आंसर की आती है उस पे बेस हैं। आपको अगर पेपर चाहिए तो आप इसी डेट का इस पेपर कोड को डाल के आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा देना, ताकि आगे मैं जो भी पेपर अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। तो ठीक है, अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला आपका बाड़मेर में लगता है, और ये आपका होता है मल्लीनाथ जी। किस स्मृति में लगता है तिलवाड़ा पशु मेला? बाड़मेर। पायुषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, या जैन धर्म से? तो पायुषण पर्व आपका जैन धर्म से संबंधित है, और यह भी 2022 में जेईई के पेपर में पूछा गया है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी आया है क्वेश्चन। बाढ़ गंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिला, अलवर जिला, सवाई माधोपुर, या टोंक जिला? बाढ़ गंगा का मेला आपका जयपुर जिले में लगता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है? अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, भरतपुर है। डेयरी दूध संकलन यानी कि जो आपके जो डेयरी से जो दूध आते हैं उसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है वो कौन से ज़िले में होता है? गाय की नस्लें अलग अलग ज़िलों में हैं, लेकिन दूध जो सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है और जहाँ से आपको सप्लाई दी जाती है उस ज़िले का नाम पूछा गया है, तो वो है आपका जयपुर। जयपुर में दूध का संकलन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? दुधारू पशु जैसे कि गाय, और पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है, तो सेवड़, धामड़, खस और धूप, ये चारों घास की किस्में हैं, तो सेवड़ घास जो है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है दुधारू पशुओं के लिए। प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें है, असुमेलित जोड़े को आपको पहचानना है। यहाँ पे वर्तमान नाम दिए गए हैं जिलों के, और प्राचीन नाम दिए गए हैं जिलों के। गंगानगर को योध्य कहा जाता था, उदयपुर को शिवी, स्वर्णगिरी जालोर, और भरतपुर विराट। तो आपको असुमेलित छाटना है, तो जो आपका भरतपुर है वो विराट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका असुमेलित है, बैराट विराटनगर। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए, शेर के लिए। इसी में आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन, कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर किस जिले में है। 7वें का आपका है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कुंभा द्वारा रचित नहीं है, संगीत राज संगीत, मीमांसा राजवल्लभ, या रसक क्रिया? तो कुंभा ने राजवल्लभ नहीं लिखा है, बाकी ये संगीत राज संगीत, मीमांसा और रसक क्रिया कुंभा के गीत हैं। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया है? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेट्टी, या जमुना लाल बजाज? तो स्वामी गोविंद गिरी भीलों के लिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, भीलों का आंदोलन भी किया है, प्लस इन्होंने संप सभा भी इन्होंने ही स्टार्ट की है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? नैनूराम, अभिन्न हरि, विजय सिंह पथिक, या ऋषि दत्त मेहता? हाड़ौती सेवा संघ जब भी पूछा जाए नैनूराम शर्मा, और किसान आंदोलन की बात आए विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 11 है आपका, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरा लाल शास्त्री, के मुंशी, या जमुना लाल बजाज?
तो जो के मुंशी है इनके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ एकाकीकरण का प्रथम चरण। जालोर के शासन एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी की निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसमें ग्रंथ में आपको बता दूंगा, आपको उस ग्रंथ के राइटर का नाम बताना है, लेखक कौन है। पद्मनाभ, दलपत विलास, कानड़दे प्रबंधन या हमीरहट? तो कानड़दे प्रबंधन जो है इसमें आपको जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गेर, चंग, कच्ची घोड़ी, चरी नृत्य। ध्यान से सुनना, महिलाओं द्वारा जो किया जाता है तो आपका जो चरी नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जहाँ तक है गुजर जाति की महिलाएं इसको करती हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक है गुजर जाति की महिलाएं इसको करती हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? धन्ना जी, जाम्बो जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके जाम्बो जी, ऑप्शन नंबर दो। तेजा जी ऊँटों के लिए फेमस। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनास बांध है। टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा? तो बांसवाड़े में आपका अनास बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से था? देखो, मेवाती से ही आप पहचान लोगे कि ये बीकानेर के हैं, लेकिन इनका संबंध कार्य क्षेत्र बताना है। ये पर्यावरण से है, संगीत से, खेल से या चिकित्सा विज्ञान से है? तो ये आपके संगीत से हैं, उमर फारूक मेवाती संगीत के लिए बड़े जाने जाते हैं ये। जनगणना, जनगणना पे एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा हर पेपर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है? जिलों का ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चयनित कीजिए। ज़्यादा से कम बताना है आपको साक्षरता दर, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ज़्यादा से कम। सबसे ज़्यादा कोटा, फिर सबसे कम अलवर। सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध बनास नदी, मेज बांध खारी नदी, सिद्धमुख नहर यमुना नदी या पोक बांध चंबल? तो पोक बांध चंबल में नहीं है, सिद्धमुख भी नहीं है, मेज बांध भी खारी नदी पर नहीं है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर ज़रूर है। ऑप्शन नंबर वन सही है। प्रश्न नंबर 19 से आपका, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? देखो, मृदा अपरदन पर या उनकी जो पोटेशियम कैल्शियम उनकी जो गुणवत्ता होती है या फिर वो कहाँ पाई जाती है, इस पे एक प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन के सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है आपका हाड़ौती पठार क्षेत्र। ये क्वेश्चन रिपीट है, हाड़ौती पठार क्षेत्र आपका चंबल नदी सबसे ज़्यादा करती है। घग्गर का दुआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बनता है? दो नदियों जहां मिलती हैं वहां पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ के वहां पे दुआब मैदान बना है, तो वो दो नदियों का नाम बताना है। बनास और बाढ़ गंगा, घग्गर और सतलज, जवाई और सुकड़ी, घग्गर और व्यास? तो जो आपकी घग्गर और सतलज है इन दोनों के निक्षेपण से दुआब मैदान का निर्माण होता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। जिले भी याद रखना। सही समूह को चिन्हित कीजिए। खेतड़ी सिंघाना, ये खनिज पे क्वेश्चन, जनगणना और खनिज पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिलेगा पक्की बात है। खेतड़ी सिंघाना, तांबा, राजपुरा, तरीबा, सोना, झामर, कोटड़ा, लोहा, यास्क, डाबला सिंघाना, पेराइट? तो जो सही सुमिलित है वो खेतड़ी सिंघाना, तांबा, बाकी सब गलत है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर, अजमेर, पाली, दौसा? तो सेवर भरतपुर आपने नाम सुना होगा, सरसों अनुसंधान केंद्र, तो यही है श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर।
मध्य प्रदेश व राजस्थान के संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल चंबल व्यास और माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना एमपी और राजस्थान की। एमपी और राजस्थान की चंबल, और अगर राजस्थान और गुजरात की पूछते तो माही होता। भारतीय वन संरक्षण बोर्ड ने यही आंसर माना है चंबल नदी घाटी परियोजना में एमपी और राजस्थान की चंबल, और अगर गुजरात आ जाता तो माही नदी हो जाता। भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्ष मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राजस्थान के वनाच्छेदित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। देखो वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ, 85 स्क्वायर किलोमीटर 2013 और 15 का आंकड़ा है। अभी वन रिपोर्ट नहीं बन चुकी है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी, अरावली पर पेड़ लगाने की योजना 1992-93 में, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 26 आपका, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, ये सभी, इन सभी में पाई जाती है। खनिज का प्रश्न, दो प्रश्न आए खनिज के इस पेपर में, ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग दोनों। राजस्थान में, और अगर ग्रेनाइट की माइनिंग यानी माइनिंग खान अगर ग्रेनाइट की पूछ ली जाए तो जालोर ग्रेनाइट। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल विद्युत या ताप की शक्ति? तो जो अपनी ताप की शक्ति है, रावत भाटा सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में यही बिजली दे रहा है अपन को। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के राज्य स्वामित्व में है, यानी कि पूरा लाभ अपने राजस्थान को मिल रहा है? कौन सी परियोजना है? माही परियोजना, सूरतगढ़ परियोजना, छबड़ा परियोजना, सतपुंडा परियोजना? तो आपकी जो सतपुंडा परियोजना है, इससे अपना राजस्थान का संपूर्ण लाभ मिल रहा है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खुशखेड़ा नाम से ही बता दोगे, अलवर, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड, ये खनिज का तीसरा क्वेश्चन है इस प्रश्न में, प्रश्न पत्र में। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या चमड़ा उद्योग? सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में, तो आपका जो चमड़ा उद्योग है इसमें यूज़ किया जाता है सोडियम सल्फाइड का यूज़ कच्चे माल के रूप में। प्रश्न नंबर 31 आपका, राजस्थान के पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के कितने प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है? यह आपका आर्थिक इकोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है, आंकड़ों पर बेस्ड है, आंकड़ों पर बेस्ड प्रश्न बहुत कम देखे जाते हैं, ये आपको याद करने रहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 7182। प्रश्न नंबर 32 है, ये इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जल महल पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, सरिष्का पैलेस और माधवेंद्र पैलेस? तो जो आपका माधवेंद्र पैलेस है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपका स्कल्पचर पार्क स्थित है। तो इसमें 32 प्रश्न थे। अब जो अपन अगला पेपर लेंगे वो भी LDC का है, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पेपर लेंगे वो अपन जो इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, उनके पेपर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा देना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।